बड़ी खबर का रुख करते हैं। उदयपुर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, कल कर्फ्यू में मिलेगी 10 घंटे की छूट। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक की कर्फ्यू की छूट होगी। 28 जून से उदयपुर शहर में कर्फ्यू लागू है और उसके बाद अब कल से कर्फ्यू में थोड़ी छूट होगी, 10 घंटे की ये राहत होगी। यानी 10 घंटे कर्फ्यू में छूट रहेगी। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहने वाली है, क्योंकि 28 जून से ही उदयपुर शहर में कर्फ्यू लगा है, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकान खोलते हैं या रोजमर्रा कमाते हैं वही खाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई थी। और कल थोड़ी छूट मिलने से राहत कुछ लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। उदयपुर जिला प्रशासन का ये बड़ा फैसला सामने आया है, कल कर्फ्यू में 10 घंटे की छूट मिलने वाली है। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। 28 जून से उदयपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है और इसी के साथ साथ राजस्थान भर में नेट भी बंद। हालांकि अब कुछ संभाग में ये नेट खोल दिया गया है, कुछ जिलों में ये नेट खोल दिया गया है। जयपुर में हालांकि अभी तक नेट बंदी है और कल तक ये नेट बंदी रहने वाली है, लेकिन अभी अगर उदयपुर की बात करें तो वहां पर सख्ती पूरी तरह से है, पुलिस तैनात है और साथ ही साथ कर्फ्यू भी है। लेकिन अभी कल के लिए अगर कहें तो 10 घंटे की छूट दी गई है, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, क्या जानकारी है, अगर कल 10 घंटे की छूट मिलती है तो इस दौरान सुरक्षा किस तरह से बाजार में रहेगी और लोगों को कितनी राहत? बिल्कुल, देखिए मेघा, राहत की बात ही है और जिस तरीके से हालात सामान्य हो रहे हैं वो और भी बड़ी राहत है। आज भी 12 बजे से 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई थी। हालांकि जनजीवन जो है पिछले 2 दिनों से पटरी पर लौटने लगा था, सामान्य स्थितियां थी, किसी तरह की तनावपूर्ण स्थिति जरूर थी, लेकिन कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं हुआ जिससे कि कोई जी में कल रात को भी जो है निर्णय लिया गया था कि 12 बजे से और 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी जाए। और अब जो है सुबह 8 ये जो गाइडलाइन है कल के लिए, इससे 10 घंटे की इस राहत से बड़ी एक तरीके से कहें लोगों को काफी सुकून मिलेगा और एक बड़ी बात है कि अब धीरे धीरे जो जनजीवन है वो पटरी पर लौटना शुरू होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।